हम शपथ लेने से पहले उन बच्चों के वो कमीशन रिजल्ट जो तैयार किए हैं वो निकालेगा। आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 24,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट तैयार थे, क्योंकि ये कमीशन की ड्यूटी है, इसके ऊपर राजनीतिक कोई भी दबाव नहीं है किसी प्रकार का, और ये स्वतंत्र बिना पर्ची बिना खर्ची के। आज युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है, और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है, और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने किया है। आपके पास है संकल्प पत्र जो है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि लगातार जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र के अंदर, थोड़ा दिन मिले थे उस समय आपको, 54 दिन मिले थे, अब 5 साल मिल रहे हैं। पूरे के पूरे संकल्प पत्र को जो हमने कहा है, जब हमने ये जारी किया था मैंने तभी कहा था, हमारा 2014 का संकल्प पत्र देख लीजिए, हमारा 2019 का संकल्प पत्र देख लीजिए, हमने हूबहू उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है, और ये संकल्प पत्र भी हमारी सरकार पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और जब जब भी हम इसके ऊपर कोई संकल्प पत्र के निर्णय को पूरा करेंगे, आप लोगों से बात को जरूर शेयर करेंगे। 12 मंत्री सीएम यहाँ आ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए ये बड़ा गर्व की बात है, हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के तमाम बड़े नेता और पूरे देश के एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं, और उसके बाद एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक भी है। जो आपने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा सवाल है, क्या नियुक्ति पत्र देने का भी कोई कार्यक्रम है आज? नहीं, सीएम साहब, जो आप कहते थे कि 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे, अभी भी खुले हैं। अभी भी मैं 150 लोगों को सुबह सुबह मिल करके आया हूँ, और एक वो मंजे डलवाने वाला काम था वो भी अभी जारी रहेगा। मंजे तो डाल दिए थे पहले। इनकी शुरुआत जो की है आज वाल्मीकि जयंती के दिन वाल्मीकि मंदिर से की है, क्या मैसेज देने की कोशिश है? मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है, मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का, और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कहीं ना कहीं दलित समुदाय केवल वोट बैंक नहीं है, बल्कि उनको असली रूप में पूजती बीजेपी है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, सभी महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर, गौरव अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं, और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। समाज को जो वो एक मार्ग दे करके गए, एक दर्शन दे करके गए, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का और उस मार्ग के ऊपर चलने का
कार्य वो हम करेंगे। मैं सभी को भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जयंती के अवसर की बहुत बहुत जयंती की बधाई देता हूँ। कितने लोग शपथ ले रहे हैं आज? आ देखिए, आपको सारा कुछ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नहीं, अभी अभी चल जाएगा, अभी आपको सभी पता चल जाएगा। कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने, 2,80,00,000 लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूं। देखिए, क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था, बच्चों के हमारे कमीशन ने रिजल्ट तैयार कर दिए थे, वो रिजल्ट जारी करने थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के कोर्ट में जाकर के उसको रोक लगवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तब कहा था कि हम शपथ लेने से पहले उन बच्चों के वो कमीशन रिजल्ट जो तैयार किए हैं वो निकालेगा। आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 24,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट तैयार थे, क्योंकि ये कमीशन की ड्यूटी है, इसके ऊपर राजनीतिक कोई भी दबाव नहीं है किसी प्रकार का। और ये स्वतंत्र बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। और इसका एक बड़ा युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने किया है। आपके पास है संकल्प पत्र जो है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि लगातार जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र के अंदर, थोड़ा दिन मिले थे उस समय आपको, 54 दिन मिले थे, अब 5 साल मिल रहे हैं। पूरे के पूरे संकल्प पत्र को जो हमने कहा है, जब हमने ये जारी किया था मैंने तभी कहा था, हमारा 2014 का संकल्प पत्र देख लीजिए, हमारा 2019 का संकल्प पत्र देख लीजिए, हमने हूबहू उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये संकल्प पत्र भी हमारी सरकार पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और जब जब भी हम इसके ऊपर कोई संकल्प पत्र के निर्णय को पूरा करेंगे, आप लोगों से बात को जरूर शेयर करेंगे। मेरे लिए ये बड़ा गर्व की बात है, हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के तमाम बड़े नेता और पूरे देश के एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। और उसके बाद एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक भी है। जो आपने अपनी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा सवाल है, क्या नियुक्ति पत्र देने का भी कोई कार्यक्रम है आज ही? नहीं, सीएम साहब, जो आप कहते थे कि 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे, अभी भी खुले हैं। अभी भी मैं 150 लोगों को सुबह सुबह मिलकर के आया हूं। और एक मंजे डलवाने वाला काम था, वो भी अभी जारी रहेगा? मंजे तो डाल दिए थे पहले। कितना बड़ा है, आज गांधी जी का क्रेडिट डिवोट है और आज आप शपथ ले रहे हैं।
जिनकी शुरुआत जो की है आज वाल्मीकि जयंती के दिन वाल्मीकि मंदिर से की है, क्या मैसेज देने की कोशिश? मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है, मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कि कहीं ना कहीं दलित समुदाय केवल वोट बैंक नहीं है बल्कि उनको असली रूप में पूजती बीजेपी है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, सभी महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर गौरव अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। समाज को जो वो एक मार्ग देकर के गए, एक दर्शन देकर के गए, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का और उस मार्ग के ऊपर चलने का कार्य वो हम करेंगे। मैं सभी को भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जयंती के अवसर की बहुत बहुत जयंती की बधाई देता हूँ। लोग शपथ ले रहे हैं सर आज? देखिए, आपको सारा कुछ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नहीं, अभी अभी चल जाएगा, अभी आपको सभी पता चल जाएगा। कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने, 2,80,00,000 लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूं। देखिए, क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था, बच्चों के हमारे कमीशन ने रिजल्ट तैयार कर दिए थे, वो रिजल्ट जारी करने थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के, कोर्ट में जाकर के उसको रोक लगवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तब कहा था कि हम शपथ लेने से पहले उन बच्चों के वो कमीशन रिजल्ट जो तैयार किए हैं वो निकालेगा। आज उन सब बच्चों के वो रिजल्ट जारी हो जाएंगे। 24,000 बच्चे हैं जिनके रिजल्ट तैयार थे, क्योंकि ये कमीशन की ड्यूटी है, इसके ऊपर राजनीतिक कोई भी दबाव नहीं है किसी प्रकार का, और ये स्वतंत्र बिना पर्ची बिना खर्ची के। आज युवाओं को, एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है, और इसका एक बड़ा
युवाओं के अंदर विश्वास जगा है कि यही वो सरकार है जो हमारे विश्वास को कायम रखती है और उसी विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने किया है। आपके पास है संकल्प पत्र जो है वो उसको पूरा करेंगे, क्योंकि लगातार जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र के अंदर, थोड़ा दिन मिले थे उस समय आपको, 54 दिन मिले थे, अब 5 साल मिल रहे हैं। पूरे के पूरे संकल्प पत्र को जो हमने कहा है, जब हमने ये जारी किया था मैंने तभी कहा था, हमारा 2014 का संकल्प पत्र देख लीजिए, हमारा 2019 का संकल्प पत्र देख लीजिए, हमने हूबहू उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये संकल्प पत्र भी हमारी सरकार पूर्ण रूप से पूरा करेगी। और जब जब भी हम इसके ऊपर कोई संकल्प पत्र के निर्णय को पूरा करेंगे आप लोगों से बात को जरूर शेयर करेंगे। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए ये बड़ा गर्व की बात है, हरियाणा के लिए भी गर्व की बात है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के तमाम बड़े नेता और पूरे देश के एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक भी है। जो आपने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा सवाल है, क्या नियुक्ति पत्र देने का भी कोई कार्यक्रम है आज? नहीं, सीएम साहब, जो आप कहते थे कि 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे, अभी भी खुले हैं। अभी भी मैं 150 लोगों को सुबह सुबह मिल करके आया हूँ। और एक वो मंजे डलवाने वाला काम था, वो भी अभी जारी रहेगा? मंजे तो डाल दिए थे पहले। इनकी शुरुआत जो की है आज वाल्मीकि जयंती के दिन वाल्मीकि मंदिर से की है, क्या मैसेज देने की कोशिश? मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है।